हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश, आपका एक्सेल गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि राउंड फंक्शन कैसे आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक डेटा शीट तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो राउंड फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है एक्सेल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 1250 रुपये 75 पैसे, 1251 रुपये 85 पैसे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो 1250.75 है या 1251.85 है या 1252.87 है, ठीक है, ये राउंड ऑफ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या है, सिंपल सा इक्वल टू पहले प्रेस करना है, ठीक है, देन उसके बाद आपको राउंड, ठीक है, राउंड में आप वो नंबर चूज करेंगे जिसको आपको राउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद नंबर डिजिट, नंबर डिजिट में क्या होता है, इन केस आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी 1250.75, ठीक है, ये राउंड में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो वैल्यू टाइप करेंगे। ठीक है, जीरो वैल्यू टाइप करने के बाद आपको क्या है, ये ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। ठीक है, अब इंटर करते ही इसमें क्या चेंज हुआ है, इसने क्या किया, जो 1250.75 था इसको इसने राउंड में 1251 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सेम फॉर्मूला आपको यहाँ भी चाहिए तो आपको सिंपल सा इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करते ही आपने देखा कि जितने भी ये 1251 डेसिमलों के बाद जो वैल्यू थी इनको सबको इसने राउंड ऑफ में कर दिया। ठीक है, जैसे 1251.85 था इसको 1252 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली इसका काम जो है ये क्या है कि जो वैल्यू है आप चाहते हैं कि उसको, अगर कोई वैल्यू पैसे में है तो उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं राउंड में, तो इस तरह से आप इसको राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर आप यहाँ पे वन अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये इसने क्या है यहाँ पर सिंपल, ठीक है, इसने क्या किया यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करके इसने, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा 1250.75, इसने इस राउंड ऑफ में किया है, लेकिन इसमें चेंज ये है इसने 1250.80 ना करके सीधे 8 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, जैसे 9 है तो यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हम थोड़ा एडिशन और करें, इसमें 2 में अगर प्रेस करता हूँ, ठीक है, अब 2 प्रेस करते ही क्या हुआ, इसने वही वैल्यू जो हमारी इस एग्जाम्पल वाले कॉलम में है सेम हमको वही रिजल्ट इसने हमें दे दिया। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा वही 0 करें, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ पूरा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे आप राउंड जो फंक्शन है वो कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये राउंड पर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।